हाय स्कॉलर्स, वेलकम टू आवर चैनल एकेडेमिया अनलिमिटेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस दलवीर जी भंडारी के बारे में। जस्टिस दलवीर भंडारी लीगल और जुडिशियल फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, एक दैदिप्यमान सूरज हैं। आज की डेट में वो यूएन की 6 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि द ICJ में एक जज के रूप में कार्य कर रहे हैं। ICJ यानी जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, UNO की एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल मुद्दों को सुलझाती है। ऐसी महान संस्था में जस्टिस दलवीर भंडारी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि उनके देश भारत या इंडिया, उनके प्रदेश राजस्थान और उनके होम टाउन जोधपुर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। जस्टिस दलवीर भंडारी एक बहुत ही इलस्ट्रियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर महावीर चंद जी भंडारी और इनके दादाजी BC भंडारी जी भी बहुत नामी वकील थे और वे राजस्थान बार एसोसिएशन के मेंबर थे। जस्टिस दलवीर भंडारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से ग्रहण की। 1991 में वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुए। 2004 में जस्टिस दलवीर भंडारी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्थान था, एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान था। उसके ठीक एक वर्ष बाद 2005 में जस्टिस दलवीर भंडारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में नियुक्ति मिली। जुडिशरी के क्षेत्र में जस्टिस दलवीर भंडारी ने बहुत सराहनीय काम किया, स्पेशली कंप्यूटराइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में इनकी महारत हासिल थी और इन्होंने जो रूलिंग्स निकाली, इन्होंने जो निर्णय लिए, वो आज भी कोट किए जाते हैं और आज भी आगे की कार्यवाहियों के आधार बनते हैं। सन 2012 में जस्टिस दलवीर भंडारी का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ ICJ के जज के रूप में। 2017 में पुनः अपनी सेकेंड टर्म के लिए वो चुने गए, उनका चुनाव हुआ, वे इलेक्शन जीते और वो पुनः जज नियुक्त हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। 2017 के सेकंड टर्म वाले चुनाव की दिलचस्प कहानी एक किताब में हमारे सामने आजकल लेटेस्ट आई है। इस किताब का शीर्षक है इंडिया वर्सेस UK और इसे लिखा है भारत के एक बहुत ही फेमस और एफिशिएंट डिप्लोमैट, राजनीतिज्ञ, जिनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। इस किताब में सैयद अकबरुद्दीन जी ने समझाया है कि किस मुश्किल से 2017 के इलेक्शन को भारत ने जीता और यह जीत न केवल जस्टिस दलवीर भंडारी की जीत थी बल्कि पूरे भारतीय डिप्लोमेटिक महकमे की जीत थी, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारे ऑड सर्कमस्टांसेस को झेलते हुए ये चुनाव जीता गया। आप सबको पता ही होगा कि UNO में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वर्चस्व रहता है, ऐसे में नॉन परमानेंट मेंबर्स को अपनी दावेदारी को कायम रखने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है और जो अब नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने इमर्ज हो रहा है उसका हवाला देते हुए सैयद अकबरुद्दीन जी कहते हैं कि इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इस चुनाव में दर्ज करवाई। इस इलेक्शन में जस्टिस दलवीर भंडारी जी की सीधी टक्कर UK के एक प्रसिद्ध जज क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से थी। स्कॉलर्स, यहाँ पर आश्चर्य की बात यह भी है कि जिस साल ये चुनाव लड़ा गया था उस टाइम इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी नहीं था, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए यह जीत दर्ज की गई। जस्टिस दलवीर भंडारी जी की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, दिलचस्प सा किस्सा हमारे मस्तिष्क में आता है। ये किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये किस्सा इस बात को दर्शाता है कि हमारे जोधपुर के लोग अपनी मायर भाषा, अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम करते हैं। तो स्कॉलर्स, ये किस्सा बॉम्बे टू जोधपुर की फ्लाइट या एयरप्लेन का है। मेरे एक बहुत ही अभिन्न मित्र हैं जो कि ICICI बैंक में काम करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी जोधपुर से ही बिलोंग करते हैं। मेरे वो मित्र एक दिन बॉम्बे से जोधपुर फ्लाइट से आ रहे थे, उसी एयरक्राफ्ट में जस्टिस दलवीर भंडारी साहब भी बॉम्बे से जोधपुर पधार रहे थे। मेरे दोस्त के पास इकोनॉमी क्लास का टिकट था और जस्टिस दलवीर भंडारी साहब बिजनेस क्लास में विराजे हुए थे। जब मेरे दोस्त को ये पता चला कि इसी एयरक्राफ्ट में जस्टिस भंडारी साहब भी विराजे हुए हैं, तो वो बिजनेस क्लास की
जगह जाकर पर्दे से ताका झांकी करने लगा। वो इस प्रयास में था कि किसी न किस तरीके से वो भंडारी साहब तक पहुंचे और उनसे वार्तालाप करे। तभी एयर हॉस्टेस वहां आ धमकी और उन्होंने मेरे दोस्त से आग्रह किया कि वो वापस पुनः अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। मेरे दोस्त ने पुनः आग्रह किया एयर हॉस्टेस से कि बस 5 मिनट की बात करने की इजाज़त दे दीजिए, मगर एयर हॉस्टेस ने मना कर दिया। जब यह बात भंडारी साहब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता से एयर हॉस्टेस से आग्रह किया कि ये जो महोदय हैं ये हमारे होम टाउन के हैं, ये हमारे गृह जिले के हैं, तो इन्हें कृपया आप आने दें और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मेरा मित्र बताता है कि इतनी आत्मीयता से, इतनी स्नेह से 5 मिनट भंडारी साहब ने बात की और पूरी वार्तालाप हमारी जोधपुर की ठेठ मारवाड़ी भाषा में हुई। इससे यह पता चलता है कि हमारे जोधपुर की महान विभूतियां भले ही कितने ऊंचे औहदों पर पहुंच जाए, अपनी मायड़ भाषा, अपनी मारवाड़ी और अपने जोधपुरी पने को हमेशा दिल से लगा कर रखती हैं, उसे संजो कर रहती हैं और उसमें रम कर रहती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एकेडीमिया अनलिमिटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।